दिया गया पहले, और दूर से बुलाने की आवाज़ है जो तवे पे पटकने वाली है भाई, वो पहले से चल रही है, बहुत पुरानी। हेलो माय फूडी फैमिली, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कानपुर के नए एपिसोड में आप लोग का वेलकम है। तो भाई आप लोग कह रहे थे कि वीक तक भाई चाट के ही शूट देते रहो, तो भाई आ चुके हैं आज मोती झील के पास। भाई जब शाम होती है ना, चाट और पानी बतासे खाने के अंदर लोग के अंदर क्रेज़ आ जाता है। तो भैया आ गए फिर से एक नई शॉप पे, तो चलते हैं शॉप पे, बात करते हैं अंकल जी से, देखते हैं क्या क्या फिर क्या ट्राई करेंगे यहाँ। सो गाइस चलिए आ गए शॉप पे, बात कर लेते हैं अंकल जी। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? तो ये बताइए कितने सालों से चाट खिला रहे हैं आप लोगों को? 10-15 साल हुए यार। 10-15 साल से इसी जगह पे प्रॉपर? क्या और कहीं भी थे पहले? नहीं, अभी तो यही है। पहले और कहीं थे? नहीं, यही मतलब 10-15 साल से आप यहीं शॉप लगा रहे हैं। क्या क्या है चाट का आइटम है? सारा चाट। और क्या क्या? चाट, पानी पूरी, क्या क्या है? टिकिया बड़ा से खस्ता, पापड़ी, दही बड़ा, सारा आइटम है, चटपटा वाला जो शाम को खाया जाता है, होता है। तो चाट का प्राइस वगैरह क्या है? 30 रुपीज। और पानी पूरी वगैरह? 10 का 5। 10 का 5, हाँ मतलब 10 का 5 सही है, 2 रुपये का एक। और क्या, दही बड़े वगैरह? 30 रुपये। 30 रुपये मतलब सारा आइटम जितना सब 30 का है, सब सिर्फ बतासे सस्ते हैं, 10 के 5। तो आज हमें क्या खिलाएंगे? जो आप बताएंगे आप बता दीजिए। वैसे वैष्णवी चाट पैलेस जी, तो चाट का पैलेस है, थिएटर जाते हैं तो फिर मूवी देख के आते हैं, और चाट का पैलेस है तो फिर चाट ही खाएँगे भाई, यही चलता ही है। तो चलो भाई मेकिंग कराते हैं चाट की, ट्राई करते हैं फिर टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। ओके चलिए फिर चाट की मेकिंग कराते हैं। तो टिक्की बढ़िया सजा के रखी गई तवे पे, और यार हल्का सा ऑयल, और ये मटर फ्राई करी जा रही है, ये आ गया हल्का सा सॉल्ट, लाल मिर्ची और मूली, सब कुछ इसी में डाल दिया गया पहले, और दूर से बुलाने की आवाज़ है जो तवे पे पटकने वाली है भाई, वो पहले से चल रही है, बहुत पुरानी। और ये आ चुकी अपनी 2 टिक्की। तो भाई टिक्की खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, जो टिक्की तोड़ के पहले से दी जाती है तो वो खाने का और ही मज़ा आ जाता है। तो भाई एकदम टिक्की आ गई है चिपक के अपने दोने में, और ये आ रही मटर, सॉल्ट आ गया हल्का सा, तो ये आ रही भैया मीठी चटनी, और ये आ गई हरी हरी चटनी, और ये हल्का सा दही, और ये ऊपर से मूली, और ये आगे बताशे। तो भैया चाट अभी तैयार हो गई, चलो ट्राई करते हैं, टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो भाई चलो ट्राई करते हैं, आ चुकी अपनी आलू टिक्की चाट। और भाई टिक्की एक तरह से करारी भी होती है तब भी मज़ा आती है, जो टिक्की तोड़ के दी जाती है पहले दोनों में मिक्स करके, वो अलग ही चीज़ आती है। तो यहाँ पे वाली चाट मिली, अभी तक जहाँ ट्राई करते थे टिक्की बिल्कुल पूरी पूरी रखी जाती थी। दही पतला लग रहा था कि कम टेस्टी होगी, लेकिन वैसा है नहीं कुछ, दही थोड़ा और गाढ़ा होता और ज़बरदस्त मज़ा आ जाती, और चटनी मीठी और खट्टी तो अच्छी है। इनकी जो हरी वाली थी थोड़ी पतली वो भी थी, मतलब थिकनेस थोड़ी कम है चाट में, जो चटनी होगी है मीठी चटनी गाढ़ी थी। तो चलो भाई आप भी आना ट्राई के लिए, देखते शॉप की लोकेशन। तो शॉप का पूरा नाम वैष्णवी चाट पैलेस, और आपको ये मोती झील में म्यूजिकल फाउंटेन बार के जस्ट बाहर मिलेंगे। तो आप नगर निगम वाले ऑफिस से आ रहे होंगे और जा रहे होंगे मेट्रो स्टेशन के लिए मोती झील वाले, तो मोती झील मेट्रो स्टेशन से जस्ट पहले आपको शॉप लेफ्ट साइड में मिल जाएगी, और जब मेट्रो स्टेशन से जा रहे होंगे नगर निगम ऑफिस के लिए तो शॉप आपको राइट हैंड में मिलेगी, आप भी और जायका लुआ करके यहाँ पर। सो भाई फाइनली अभी भी सोनापन आ रहा है चाट में, पता नहीं क्या था ट्रेंड में भाई, मुँह के अंदर अभी भी सोनापन बना हुआ चाट खाने के बाद। तो अपने आज का ब्लॉग यही सेंड करते हैं, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर नया आता तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करो, सब्सक्राइब कर लिया तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन जरूर ऑन कर लिया करिए, और अपना सेकंड चैनल भी आ गया प्लैनेट आशीष लाइफ हाई, तो उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।